एक ऐसा डाकू जिसके कारनामों से पूरे अखबार रंगे हुआ करते थे, एक ऐसा डाकू जिसके सर की कीमत पुलिस ने 6 लाख रुपए लगाई थी, जिसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए जंगलों का दामन थामा था। बदला खोई हुए सम्मान का, बदला खोई हुई प्रतिष्ठा का, बदला बहन की इज्जत का। नाम है अंबिका पटेल उर्फ थोकिया। आखिरकार क्यों एक किसान के बेटे ने जंगलों का दामन थामा? आखिर कैसे थोकिया जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बना? आखिर कैसे उसने 10 सालों तक पाठा के जंगलों में अक्षत्र राज किया? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से थोकिया के जीवन की पूरी कहानी बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। थोकिया का जन्म 1972 में चित्रकूट जिले के लोखरियापुरा में हुआ था। बचपन में थोकिया पढ़ाई में काफी तेज था, फिर धीरे धीरे बुरी संगत में पढ़ने के कारण वह गाँव में ही छोटे छोटे अपराध करने लगा। उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी, तभी एक घटना उसके पूरे जीवन को मोड़ कर रख देती है। गांव के लोग बताते हैं कि उसकी बहन के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने बलात्कार किया था। बहन के पेट में गर्भ ठहरने के कारण थोकिया ने गांव में पंचायत बुलाई और उस लड़के को शादी करने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने शादी करने से साफ तौर पर मना कर दिया। इस कारण से उसने लड़के की हत्या कर दी और डकैत बन गया। थोकिया ने जिस लड़के की हत्या की थी वह कुख्यात डाकू ओमनाथ के परिवार से था। उसके बाद थोकिया उस लड़के के घर वालों को मारने की तलाश में था, क्योंकि उसकी भड़ास अभी पूरी नहीं हुई थी। तभी एक दिन डाकू ओमनाथ ने थोकिया को खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि अगर दम है तो मुझसे टकराओ, घर वालों से नहीं। तब यहीं से दो परिवारों की लड़ाई दो लोगों तक सिमट गई। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसके बाद थोकिया ददुआ पटेल के गैंग में शामिल हो गया। थोकिया ने दूसरी हत्या बांदा जिले के थाना तिंदवारी क्षेत्र के फिरोजपुर में कलुआ निषाद की थी। दरअसल कलुआ निषाद पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता था। लोगों का कहना है कि एक बार थोकिया दशहरे के दिन अपने घर में आया था और कलुआ निषाद ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी थी, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के बावजूद भी वह पुलिस के हत्थे नहीं लगा और भागने में कामयाब रहा। और उसके 3 दिन बाद ही उसने दिनदहाड़े कलुआ की हत्या कर दी। इसके बाद थोकिया ने कई बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन उसके दिमाग में ओमनाथ की धमकी किसी नासूर की तरह काम कर रही थी। वह लगातार अपने मुखबिरों से ओमनाथ के बारे में जानकारी रखता था। 16 जुलाई 2003 को थोकिया को जानकारी मिली कि ओमनाथ आज की रात अपने घर में रुकने वाला है। उसी रात थोकिया अपने 40 आदमियों के साथ ओमनाथ के घर में धावा बोल देता है और गहरी नींद में सो रहे लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है। डकैतों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कई घरों के दरवाजे बंद करके आग लगा दी। इस घटना में ओमनाथ के 6 परिजन मारे गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस हमले से पहले ही ओमनाथ वहां से भागने में कामयाब हो गया था। थोकिया के अपराधों के गुनाह लिखते लिखते पुलिस के कई रजिस्टर फुल हो चुके थे। अपहरण, लूट, हत्या जैसे उसके ऊपर 80 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। अब तक थोकिया के नाम से लोगों के अंदर खौफ पैदा हो चुका था। थोकिया के निशाने पर सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी और रसूखदार लोग हुआ करते थे। यकीन मानो लोग सूरज ढलने के बाद घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते। पुलिस लगातार थोकिया की तलाश में चक्कर काटती रहती है। इस दौरान थोकिया रोज की सुर्खियों में छाया रहता है, फिर सूबे की सरकार बदलती है और मायावती मुख्यमंत्री बनती है। वहीं से थोकिया के लिए बुरी दिन शुरू हो जाते हैं। पुलिस ने तत्काल रूप से गिरोह को ढेर करने के लिए एक SPF का निर्माण किया। 22 जुलाई 2007 को SPF की टीम को जानकारी मिली कि थोकिया नरैनी क्षेत्र के कोल्हुआ जंगल में। SPF तत्काल रूप से कोल्हुआ जंगल के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन SPF को पता नहीं था कि उनका दांव उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा। बारिश का समय था, जंगल पहुंचने तक SPF को शाम हो चुकी थी। जंगल से महज 1 किलोमीटर पहले SPF की गाड़ी एक दलदल में बुरी तरह फंस जाती है। इस घटना से SPF के जवान पूरी तरह घबरा जाते हैं। तब तक रात बढ़ती जाती है। रात होने के कारण जवानों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करें। फिर SPF ने नजदीकी थाना फतेहगंज को संपर्क किया, लेकिन किसी कारणवश वहाँ का फोन नहीं लगा। देर रात सुनसान जंगल में गाड़ी की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। फिर थोकिया को उसी बात की भनक लग जाती है कि पुलिस की गाड़ी रास्ते में दलदल में फंस गई है। इसके बाद थोकिया ने पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के 16 जवान 7 डाकुओं के चंगुल में फंस चुके थे। दुर्भाग्यवश कोई भी पुलिसकर्मी उस गाड़ी से नीचे नहीं उतरा था।
क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी गाड़ी किसी बड़े दलदल में फंस चुकी है। अब थोकिया के लिए यह काम और आसान हो गया था। फिर डाकुओं ने चारों तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी। जब तक पुलिस वालों को कुछ समझ आता तब तक गिरोह की गोलियां 6 कमांडों की हत्या कर चुकी थी। रात को ही इस गोलीबारी ने पूरे क्षेत्र के लोगों को डरा दिया। आखिर हुआ क्या है? फिर थोकिया ने पूरी पुलिस वालों को मना समझ कर वहाँ से रफूचक्कर हो गया। पुलिस के 6 जवानों की हत्या के बाद यूपी सरकार की काफी किरकिरी हुई। फिर एसटीएफ को जानकारी मिली कि थोकिया अपने 40 सदस्यीय गैंग के साथ चित्रकूट के करबी इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। एसटीएफ की टीम ने बिना किसी देरी के थोकिया को सिलखोरी जंगल में घेर लिया। शाम 7 बजे तक दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस और थोकिया के गैंग की भिड़ंत 7 घंटे तक लगातार चली। यह मुठभेड़ रात 2:30 बजे रुकी। वहीं कुछ दूरी पर थोकिया की लाश एसटीएफ को टीम को मिली। हालांकि कुछ गांव वालों का मानना है कि थोकिया को पुलिस ने नहीं बल्कि उसी के गैंग में शामिल ज्ञान सिंह ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर पुलिस वालों को ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें।